वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बार बीएमसी ने मुंबई में छठ पूजा मनाने की अनुमति दे दी है, लेकिन छठ पूजा इस बार भी मुंबई में शर्तों के साथ मनाई जाएगी। समुद्र के किनारे सामूहिक छठ पूजा की अनुमति नहीं होगी। कृत्रिम तालाब बनाकर करनी होगी छठ पूजा। बिहार का ये महापर्व माना जाता है। पूरे उत्तर भारत में इसे मनाया जाता है, लेकिन खास तौर पर बिहार के लोग जो होते हैं वो छठ पूजा के लिए बिहार के लोगों के लिए मैथिल समाज में काफ़ी ज़्यादा मायने हैं। तो उसी को लेकर अब अगर देखा जाए तो छठ पूजा नज़दीक है। उत्तर भारत खास करके बिहार के प्रमुख त्यौहार छठ पूजा को बीएमसी ने मुंबई में मनाने की छूट जरूर दी है, लेकिन कोरोना संकट को देखते हुए छठ पूजा के लिए बीएमसी ने कई शर्तों भी लगाई है। इनमें कोरोना का हवाला देकर समुद्र तटों पर सामूहिक छठ पूजा की अनुमति नहीं होगी। सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें कहा गया है समुद्र तालाब और नदी किनारे मनाया जाता है छठ पूजा, लेकिन मुंबई में कोरोना के मद्देनजर तीसरी लहर के मद्देनजर छठ पूजा सीमित स्तर पर मनाई जाएगी। विभाग स्तर पर छठ पूजा की अनुमति दी गई है। कृत्रिम तालाब बनवाएंगे सामाजिक संस्थाएं अपने खर्च से और बाद में उस कृत्रिम तालाब को उन्हीं सामाजिक संस्थाओं द्वारा हटाया जाएगा। श्रद्धालुओं को सिर्फ छठ पूजा करने की अनुमति है। कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोग ही सामूहिक छठ पूजा में शामिल हो सकेंगे। आयोजन स्थल को सैनिटाइज करना जरूरी है। वहाँ थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। कृत्रिम तालाब पर मेडिकल टीम अनिवार्य है। तो ये तमाम नियम के साथ जो है इस बार मुंबई में छठ पूजा मनाई जाएगी।